ये रही हमारी बाइक, तो बाइक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। एक भाई ने बोला था कि यहाँ पास में शायद हो जाएगा, पर थोड़ा रिस्क है। अगर ये करते टाइम बेंड हो गया ज्यादा, तो फिर नए की तो शायद प्राइस 5 या 6 हजार होगी। वेलकम टू माय चैनल पीआरके भाई। तो आज के वीडियो आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये रही हमारी बाइक, तो बाइक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। जो हमारा पीछे का एलॉय व्हील है वो बेंड हुआ है, और वो अब का नहीं, तो वो काफी टाइम पहले शायद हुआ था, पर हमें भी मालूम नहीं था। तो जब घर पे देखा तब मालूम हुआ। तो यहाँ पे पास में कोई करता है नहीं, तो यहाँ से 70 किमी दूर जाना पड़ेगा, तब जाके हो। एक भाई ने बोला था कि यहाँ पास में शायद हो जाएगा, पर थोड़ा रिस्क है। अगर ये करते टाइम बेंड हो गया ज्यादा, तो फिर नए की तो शायद प्राइस 5 या 6 हजार होगी। तो इतना कुछ है, तो वो भी भारी नुकसान हो जाएगा। तो हुआ क्या है बाइक में, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये रही अपनी बाइक, तो ये देख लो, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा बेंड हुआ है। वैसे अभी ठीक है, बाइक चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, पर ये हमें जल्द से जल्द ठीक करवाना है। बाइक का लुक भी देख लो, पीछे से जो मड़गट आता है वो भी हमने निकाल दिया है। तो इसे आज यहाँ से पूरा खोलना पड़ेगा, और ये जो व्हील है वो लेके जाना पड़ेगा। जो व्हील है वो पीछे का खोल के जाएंगे शायद, और यहाँ पे जो नहीं खोला तो वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे कोई दूसरे बाइक से खुलवाएंगे। तो चलो इसे भी हम व्हील फटाफट से निकाल देते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. तो अभी जो हमारा बाइक का व्हील का काम था वो कंप्लीट हो गया है, और अभी जो बजाज का शोरूम है वहां पे आए हैं, और ये आरएस बाइक लेके आए हैं, तो वो अभी एक राउंड लगाने गए हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो यहाँ पे हम आए थे शोरूम में, तो बाइक का थोड़ा दिखाना था, कुछ बाइक में प्रॉब्लम है नहीं, तो थोड़ा दिखाना था क्लच का ये सब। तो वापस से यहाँ चलते हैं, बाइक तो सब बोल रहे कम्प्लीट है, तो यहाँ से अब जो बाइक का सामान है वो भी लेना है। तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ दूसरी शॉप है, तो वहाँ जाके लेते हैं और फिर चलते हैं। व्हील का काम था वो कम्प्लीट हो गया है, और वहाँ से हम घर पे आ गए, और ये व्हील साथ में लेके आए, ये लिक्विड है टायर के अंदर डालेंगे, तो वापस से वो व्हील में टायर बैठा देते हैं। तो फाइनली जो बाइक का काम था वो कंप्लीट हो गया। ये रही पीछे बाइक, तो आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। तो ये रही अपनी बाइक, देख लो कुछ ऐसी थी। तो जो व्हील का काम था वो भी कंप्लीट हो गया, और पीछे के टायर में जो वो लिक्विड आता है वो भी हमने डाल दिया है। तो अभी देख लो, ये थोड़े दिन तो टक जाएगा, जो हमारी राइड है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी वो न्यू डलाना पड़ेगा, तो देखेंगे। और अभी लुक देखो, तो पीछे से वो निकाल दिया है, तो वापस वो भी हम लगा दें। बात करें तो एक अच्छी जगह पे जाने वाले है राइड पे, और 2 दिन की राइड है, तो उसमें भी हम जाने वाले है, तो इसीलिए बाइक तो थोड़ी अच्छे से ठीक करनी पड़ेगी, तो इसीलिए सब किया है। और अभी थोड़े दिन तो निकाल देंगे, और उसके बाद टायर भी चेंज कर देंगे। से ये दिक्कत थी टायर की, पर चल रहा था तो हमने भी चलने दिया। तो अब सोचा कि दूर जाना है तो क्यों ना करा देते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम चाहिए ना इसीलिए। तो अभी भी ठीक कराया है, तो देखते हैं अच्छे से ही चलेगा टायर भी। और इस वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।